हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रोसीजरल एक्ट है। 25 जनवरी 1974 एक डेट दी गई है, उसे बोलते हैं इनएक्टमेंट डेट। तो इनएक्टमेंट डेट होती है जब जिस दिन कोई बिल एक्ट बन जाता है उस दिन को बोलते हैं इनएक्टमेंट डेट। ठीक है, अब इस की इनएक्टमेंट डेट है इनेक्टमेंट डेट 25th जनवरी 1974। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का इनेक्टमेंट डेट है 25th जनवरी 1974। अब इसके नीचे हो एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। अब कंसोलिडेट मींस टू स्ट्रॉन्गर एंड अमेंड, अमेंड मतलब कि समय समय पर उसको बदलते रहना, अपडेटिंग करते रहना। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से। बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 24th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, अब मैं बोला था ना इनेक्टमेंट डेट, तो इसमें आया बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। जो इनेक्टमेंट डेट आती है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि जब बिल पास होगा पार्लियामेंट में एक्ट बनेगा तो पार्लियामेंट ही बनाएगी इनेक्टमेंट डेट। इन द 24th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। तो जो 24th ईयर जिसमें दिया हुआ है, हम रिपब्लिक डे हमारा होता है 1950 को, तो ये 24 ईयर बाद इनेक्ट हुआ, तो ये हो गया 1974 को। ठीक है, समझ आया। अब आ जाओ चैप्टर 1 सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड द कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इस कोड को हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से जानेंगे। सेक्शन 1 क्लॉज 2 इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। वैसे तो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट पूरे इंडिया पे लागू होता है, प्रोवाइडेड दैट इसके चैप्टर 8, 10 और 11 नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होते हैं। ठीक है, बी द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन, अगर गवर्नमेंट का कंसर्न है तो बाय नोटिफिकेशन वो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट को नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे पूरी तरह लागू कर सकती है अगर जरूरत पड़ती है तो, और जब भी जरूरत पड़ती है वो ऐसा कर सकती है, और पूरा जब काम हो जाता है उसके बाद वो जो कहते हो वैसा का वैसा हो जाता है। ठीक है, तो जो एक नोटिफिकेशन आता है कि इतने से इतने टाइम तक ये लागू रहेगा, उसके बाद वो वैसा ही हो जाएगा जैसा चल रहा है। ठीक है, तो फिर है एक्सप्लेनेशन। इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरियाज मीन्स द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर द 21st डे ऑफ जनवरी 1972 वर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम। ट्राइबल एरियाज का मतलब है कि जो टेरिटरीज इमीडिएटली 21 जनवरी 1972 को आसाम के ट्राइबल एरियाज में इंक्लूड की गई, एज रेफर्ड इन द पैराग्राफ 20 ऑफ द 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द शिलोंग। इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन 1st डे ऑफ अप्रैल 1974। इसमें लिखा है इट शैल कम इन टू फोर्स, मतलब इन्फोर्समेंट डेट। अब इन्फोर्समेंट डेट क्या होता है, इनेक्टमेंट डेट होता है, जैसे कि जब एक्ट बना बिल से, मतलब बिल जब एक्ट बना, इनेक्टमेंट डेट होता है जब बिल एक्ट बना। अब ये एक्ट जिस दिन फॉलो हुआ, मतलब जिस दिन अप्लाई हुआ, जिस दिन से फॉलो करेगा इंडिया, उस दिन उस डेट को बोलते हैं इन्फोर्समेंट डेट। समझ आया आप लोगों को? तो ये था अभी तक का सेक्शन 1, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।